हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो अपने पास है एक सीएनजी कार जो कि काफ़ी अच्छे माइलेज एंड जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि सीएनजी के साथ में बूट स्पेस भी चाहिए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये कार अच्छी रहने वाली है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ह्यूंडई ग्रैंड आई10 नियोस के हाई सीएनजी डुओ वाले वेरिएंट के अंदर में। यहाँ पर आपको सीएनजी के साथ ही साथ बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब कुछ कारों में क्या होता है कि आपको सीएनजी मिल जाता है तो बूट स्पेस नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आज की वीडियो हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि यहाँ पर आपको ग्रैंड आई10 के ये सीएनजी वाले वेरिएंट के अंदर में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, क्या प्राइस मिलती है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, एंड यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार की ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन से। तो यहाँ से आप अगर देखो तो ये एक तरीके से प्रॉपर हैचबैक कार है, लेकिन इसका जो लुक एंड डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। एक फैमिली पर्पज़ से ही काफ़ी अच्छी रहती है। सबसे पहले आप अगर फ्रंट में देखते हो तो यहाँ पर आपको सेंटर में ह्यूंडई का आपको लोगो मिल जाता है, जो कि आपको सिल्वर फिनिश के अंदर मिलता है, एंड इस वाइट कलर के साथ में काफ़ी सही लगता है। रेडिएटर जो ग्रिल आपको मिल रही है ये आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर मिलती है, एंड जो यहाँ पर नीचे के आपको स्किड प्लेट वगैरह वो कुछ ऐसी मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखो फ्रंट में तो यहाँ पर आपको डीआरएल टाइप का डिज़ाइन, यहाँ पर आपको वेंट डिज़ाइन, एंड फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो टर्न सिग्नल है कुछ ऐसे आपको मिलेंगे। मैं इसको आपको ऑन करके दिखाऊँ तब आपको अंदाज़ा लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर डीआरएल से कुछ ऐसी आपको मिलेगी, देखने में काफ़ी सही लगती हैं। बाकी फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको जो इसका टर्न इंडिकेटर है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका बोनेट का डिज़ाइन है आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो इसके वाइपर्स हैं ये आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलते हैं, एंड इसका जो टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर भी मिलता है इसके ओवरवीम के ऊपर में, एंड बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ओवरवीम आपको मिलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 15 इंचेस के मैं आपको दिखाऊं अगर प्रोफाइल जो फ्रंट की मिल रही है वो आपको मिलती है 175/60R15 की, और 15 इंचेस के यहाँ पर आपको व्हील्स मिल जाते हैं इस कार के अंदर में। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो ये रूफ रेल टाइप की आपको मिलेंगी जो कि आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलती है। शार्क फिन एंटीना मिलता है। साइड से आपको जो कार है काफ़ी अच्छी लुक के साथ में मिल जाती है। बॉडी कलर यहाँ पर आपको डोर हैंडल एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं ओवरवीम। इसके डोर को ओपन करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आप इसका डोर अगर चेक करिए तो आपको डुअल टोन फिनिश के साथ में जो है डोर मिल जाता है। यहाँ पर इसके जो विंडो कंट्रोल्स है वो मिलते हैं, ओवरवीम कंट्रोल आपको मिलते हैं, सेंटर लॉकिंग आपको मिलती है, एंड इस तरफ आप अगर देखो तो डोर ओपनर आपको सिल्वर फिनिश के अंदर में इसका मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एक मिल जाता है। बाकी यहाँ पर स्पीकर रिप्लेसमेंट आपको मिलेगी, एंड ये आपको जो है वाइट एंड ये आपको ब्लैक के अंदर मिलता है। इंटीरियर अगर आप कार का चेक करोगे ना तो काफ़ी शानदार आपको मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये भी आपको डुअल टोन फिनिश के अंदर मिलता है एंड काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। बाकी मैं आपको बाहर से उस तरफ चल के दिखाता हूँ कि रियर से क्या कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर रियर का कैबिन भी काफ़ी सही आपको मिलता है। बाकी यहाँ पर G10 लिखा हुआ मिलता है, यानी कि ग्रैंड आई10 की बैजिंग मिलेगी। साथ ही साथ रियर से भी जो लुक है ना काफ़ी अच्छी मिलती है, DRL वगैरह आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पर अगर देखो तो ये डिज़ाइन आपको मिल जाता है कनेक्टेड वाला, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलेगा, वाइपर वगैरह कुछ नहीं मिलता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है स्पॉइलर के साथ में। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पर आपको नियोस 3D में लिखा मिलता है ह्यूंडई, एंड जो स्पेशल है वो है हाई CNG डुओ। यहाँ पर क्या है कि आपको जिन लोगों को मतलब CNG कार चाहिए साथ ही साथ बूट स्पेस भी चाहिए, उनके लिए कहीं ना कहीं वेरिएंट बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। नीचे की तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कैमरा की प्लेसमेंट मिलती है, ग्रैंड आई10 लिखा मिलता है, और इस सब CNG की भी बैजिंग मिलती है। अब जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको CNG कार जिनको चाहिए रहती है बूट स्पेस के साथ में, तो उनके लिए कैसे है मैं आपको इसका बूट ओपन कर दूँ तभी आपको पता चलेगा। जैसा कि आप देखो तो यहाँ पर CNG का वो बड़ा वाला सिलेंडर नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको CNG के दो सिलेंडर मिलते हैं छोटे छोटे, जिनके कारण आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। नीचे आपको CNG सिलेंडर मिल जाते हैं 30-30 लीटर के, कैपेसिटी वही रहने वाली है लेकिन बूट स्पेस अब आपको मिल जाता है। तो जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि CNG कार के अंदर बूट स्पेस मिल जाए तो उनके लिए वेरिएंट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आप देखो तो इतना सब सामान वगैरह रखा है फिर भी बूट स्पेस आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, 260 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो किट वगैरह रखी हुई है इसकी एसेसरी की। बाकी यहाँ पर आपको ये बॉक्स रखा हुआ, तो इतना कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसका बूट स्पेस, तो काफ़ी सही है। बाकी यहाँ से आप इसको मतलब क्लोज कर सकते हो। नीचे की तरफ भी आप यहाँ पर देखो तो रिवर्स पार्किंग आपको यहाँ पर सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो प्रोफाइल कुछ ये आपको प्रॉपर रियर से मिलती है, काफ़ी अच्छी लगती है हैचबैक सेगमेंट के अंदर में। बाकी अब फ्रंट से आता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँ इसकी की वगैरह कि कैसी यहाँ पर आपको चाबी मिल जाती है इसकी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है फ्लिप कीज़, जो कि ह्यूंडई की आती हैं। इनमें आपको क्या है, लॉक अनलॉक एंड होल्ड करके आप रखते हो तो बूट रिलीज करने का ऑप्शन मिलता है, ओपन नहीं होगा बस लॉक अनलॉक हो जाता है। बाकी यहाँ पर आपको फ्लिप की मिलती है एक, और एक आपको नॉर्मल की मिल जाती है। तो मतलब काफ़ी सही है, की देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है ह्यूंडई की कार की वैसे भी। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर, उससे पहले मैं आपको इसका कैबिन चेकआउट करा दूँ अगर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कैबिन ये देखिए कुछ ऐसा आपको कैबिन मिलता है। अब सबसे पहले ये सीट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कितना कम्फर्ट वगैरह यहाँ पर आपको मिलता है।
तो चलिए अब चलते हैं इसके कैबिन के अंदर में। तो अभी मेरी जो हाइट है वो है 5.6 के अप्रॉक्स में, एंड मैंने इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको स्पेस वगैरह मिल जाता है। साथ ही साथ मैं आपको अगर दिखाऊँ तो रियर से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको मतलब काफ़ी अच्छा जो है हेडरूम वगैरह मिल जाएगा, एंड कंफर्टेबल मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। तो दो यहाँ पर अडल्ट बड़े आराम से बैठ सकते हैं, एंड बीच में एक चाइल्ड बैठ जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत वगैरह आपको नहीं होने वाली है। जो कि आप यहाँ पर देखो तो दो अडल्ट एंड एक चाइल्ड बैठ सकता है, बाकी यहाँ पर कोई आर्म रेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। हेडरेस्ट यहाँ पर आपको अडल्ट के लिए एडजस्टेबल मिल जाते हैं, साथ ही साथ मतलब काफ़ी ठीक है कम्फर्ट इसके अंदर में आपको मिल जाता है। कुशन भी काफ़ी अच्छी है सीट्स की, तो रियर से मतलब भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल रहने वाली है आपके लिए। एंड यहाँ पर आपको रियर में एसी वेंट्स वगैरह भी मिलते हैं, हम्प वगैरह ज़्यादा नहीं है जो कि आप देख सकते हो। बाकी डोर ट्रिम वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हैंडल मिल जाता है, एंड यहाँ पर रीडिंग लाइट दे रखी है जो कि मिड में आपको मिलती है, यानी आगे आपको यहाँ पर रीडिंग लाइट नहीं मिलती, पीछे की तरफ भी नहीं मिलती, सेंटर में केवल दे रखी है। बाकी इंटीरियर आप रियर से इसका चेक कर सकते हो, तो काफ़ी सही लगता है देखने में। एंड अब चलते हैं बाहर हम लोग, फिर आगे की बात करते हैं इसके अंदर वाले इंटीरियर से कि वहाँ पर क्या कुछ ऑफर करने वाली है। तो चलते हैं इसके अंदर इंटीरियर, आप देख ही सकते हो यहाँ से भी। तो सबसे पहले बैठने के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको ह्यूंडई का लोगो वगैरह मिल जाता है इसके स्टेयरिंग व्हील के अंदर में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, सेंटर में ह्यूंडई का लोगो आपको मिलेगा, एंड यहाँ पर वाइपर कंट्रोल इस तरफ आपको मिल जाता है, हेडलैम्प कंट्रोल, नीचे की तरफ आते हो ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, फ्यूल वाला सीएनजी और इसमें स्विच करने का ऑप्शन, हेडलैम्प लेवलर, एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका एसी का वेंट जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में। बाकी 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट आपको मिलने वाला है, मैं इसको ऑन करूँ अगर तो यहाँ पर आपको देख सकते हो एसी वगैरह कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। तो जैसा कि इंटीरियर्स का देखने में काफ़ी ठीक ठाक लगता है, तो यहाँ पर आपको कोई पुश अप बटन वगैरह नहीं मिलता है। ऑन करते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डुअल टोन इंटीरियर है इसका, यहाँ पर सिल्वर फिनिश, यहाँ पर भी आपको देखो ब्लैक फिनिश, ये डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर मिलती है। तो डोर वगैरह की मतलब वार्निंग वगैरह देता रहता है काफ़ी सही तरीके से। तो यहाँ पर जैसा आप देखो तो यहाँ पर 8 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट मिल जाता है, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको डिवाइस कनेक्शन वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है, एंड 4 स्पीकर का जो है आपको सेटअप वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है, तो रेडियो वगैरह सब कुछ मिलता है, एंड मेन्यू वगैरह में भी आपको काफ़ी कुछ फीचर वगैरह मिल जाते हैं। तो मतलब काफ़ी सही है देखने में इसका जो क्लस्टर है, यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाती है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको क्लस्टर है वो आप अगर देखो तो यहाँ पर आरपीएम मीटर राउंड शेप के अंदर में, एंड यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर यहाँ पर डोर दिखाता है कि मतलब क्लोज है कि नहीं। तो अभी जैसा कि क्लोज नहीं है, तो जैसा कि पीछे वाला डोर थोड़ा ओपन रह गया तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। बाकी सीट बेल्ट कितने लोगों ने पहनी या नहीं पहनी ये भी दिखाता है, एंड सीएनजी से पेट्रोल में शिफ्ट है कि नहीं ये भी दिखाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो हेडलैम्प वगैरह ओपन है कि नहीं ओपन है, डीआरएल जल रही कि नहीं, ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको शो होती हैं। तो मतलब काफ़ी सही चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है इसके में, तो मतलब जितनी जरूरत की चीज़ें आपको यहाँ पर ऑफर हो रही हैं। साथ ही साथ यहाँ से आप इसका मतलब कंट्रोल कर सकते हो क्लस्टर को, वॉल्यूम वगैरह आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, एंड यहाँ से भी आपको इसकी ड्राइव इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, एंड ओडोमीटर ट्रिमीटर की रीडिंग वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मतलब इतनी चीज़ें यहाँ पर ऑफर कर रहा है। बाकी यहाँ पर सिल्वर फिनिश है, यहाँ पर कुछ ऐसा स्टेयरिंग व्हील आपको मिलेगा नॉर्मल सा। बाकी यहाँ पर आप जो इसका ग्लव बॉक्स है ये आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी सही स्पेस साथ में आता है, एंड ये मैनुअल के अंदर में आता है, तो यहाँ पर आपको मैनुअल देखने को मिल जाता है, गियर सिस्टम, एंड यहाँ पर 120 वाट का सॉकेट मिलेगा, यूएसबी मिल जाता है, टाइप सी भी मिलता है, एंड यहाँ पर भी स्पेस आपको मिलता है। कोई आर्म रेस्ट वगैरह नहीं दे रखा है जो कि थोड़ा सा दिक्कत देता है आपको। बाकी यहाँ पर आप देखो तो कप होल्डर भी मिलते हैं। बाकी यहाँ पर जो IRV में मैनुअल आपको मिलता है कुछ काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का आपको मिलेगा, देखने में काफ़ी नॉर्मल सा है। बाकी यहाँ पर एक माइक दे रखा है, सब टिकट होल्डर है, और यहाँ पर टिकट होल्डर के ऊपर में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। तो ओवरऑल इसका जो इंटीरियर है काफ़ी गुड है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, एंड मतलब एक जिस सेगमेंट में ये कार आती है उस हिसाब से मतलब काफ़ी कुछ ये ऑफर कर रहा है। बाकी आप देख ही सकते हो क्या कुछ है, सीट्स वगैरह की आप क्वालिटी देखो तो यहाँ पर साइड में आपको लेदर मिलता है, एंड यहाँ पर आपको फैब्रिक अपलोस्ट्री मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं सही चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। अब मैं आपको फ्रंट में दिखाता हूँ चल के कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर फ्रंट का जो हेडलैम्प सेटअप है वो आपको मिलता है। तो चलते हैं इसके फ्रंट में सबसे पहले, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको हेलोजन बेस्ड यहाँ पर प्रोजेक्टर मिल जाता है हेडलैम्प के मामले में। बाकी यहाँ पर डीआर वगैरह जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया था, तो इतना कुछ जो है ऑफर कर देती है कार अपने सेगमेंट के अंदर में जो कि काफ़ी सही है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके इंजन से रिलेटेड, जहाँ से आपको अंदाजा लगेगा कैसे यहाँ पर आपको इंजन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलता है 1.2 लीटर का बाय फ्यूल इंजन जो कि आपको सीएनजी एंड पेट्रोल दोनों से रन करने वाला है। तो इसमें पावर आपको मिलती है 68 bhp की, एंड 95.2 Nm का टॉर्क यहाँ पर ये कार आपको देने वाली है। तो काफ़ी सही मिल जाता है सीएनजी के अंदर में पावर फिगर वगैरह। बाकी माइलेज यहाँ पर आपको ओवरऑल 16-18 km तक की मिल जाती है बड़े आराम से। बाकी आपकी राइडिंग के ऊपर में डिपेंड करता है किस तरीके से आप कार को चला रहे हो। बाकी आपको इसकी ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसकी जो मतलब डायमेंशंस है वो आपकी डिस्प्ले पर मेंशन हो रही, आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे यहाँ पर आपको डायमेंशन वगैरह इस कार की मिल जाती है। अब प्राइसिंग से बात कर लें, जहाँ से आपको पता चलेगा क्या इसकी प्राइस मिलने वाली है, एंड कहाँ से आप आके इसको परचेज वगैरह कर सकते हो।
तो इसका आपको एक शोरूम प्राइस मिल जाता है 8,30,000 रुपीज़ का, यानी कि ह्यूंडई ग्रैंड i10 नियोस का ये अपने पास जो है हाई डुओ सीएनजी वाला वैन, इसका आपको एक शोरूम प्राइस मिलता है 8,30,000 रुपीज़ का एंड ऑन रोड मिलती है 9,73,000 रुपीज़ की। एंड अच्छी बात ये है कि अगर आपको यहाँ पर आके खन्ना ह्यूंडई इसको परचेज करते हो तो आपको 30,000 रुपीज़ का इंस्टेंट ऑफ इसके यानी कि डिस्काउंट आपको यहाँ पर इसके ऊपर में मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। तो अगर आपको इसको परचेज करना है तो आप विजिट कर सकते हैं खन्ना ह्यूंडई, जिसका पूरा एड्रेस आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ से आके ह्यूंडई की लाइन में किसी भी कार को परचेज वगैरह कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ यही इसको ओवरऑल वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।